नाम अख्तरी बेगम है और गिटार सेक्टर ये 5 में रहती हूँ मैं। मैं यहाँ पे जो भी महिला है, जेंट्स है, जो भी है, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है उसमें मदद करती हूँ उनकी मैं। यहाँ पे ज़्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं जो मजदूर है, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ज़्यादातर वही है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा 90% है वो। कुछ भोर घर में करते हैं, कुछ प्याओ पे करते हैं, कुछ बॉर्डर पे करते हैं। ये 3 एरिया है, तीनों में जहाँ जिसको काम मिल गया, कुछ खेत में कर लिया, जिसे जहाँ मिल गया कुछ बेलदारी कर लिया, जिस तरीके काम मिलता है उस तरीके कर लेते हैं। यहाँ सबसे कम किराया है, 2000 रुपये किराया लेता है। जैसे जिसने 2 दिन प्लॉट ले रखा है, अब यहाँ पे नहीं रह रहा वो, तो अपने किराए पे लगा दिया, मजदूर टाइप के आदमी को दे दिया 2000 रुपये महीने। अब फ्लाइटों में रहेंगे तो उन्हें तो सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ेगी, एडवांस भी जमा करना पड़ेगा, सारे कुछ देने के बाद 10000 में रूम मिलते हैं। अब यहाँ ज़्यादातर गरीब रहते हैं। अब ये देखिए पीछे कूड़ा है, इतना पूरी नड़ले का कूड़ा ला के यहीं फेंका जाता है। तो ये गरीब आदमी के इलाके में तो फेंक दे, कोई बड़ी सोसाइटी में फेंक के दिखा दे, ये बड़ी सोसाइटी में तो फेंक नहीं सकते। पानी तो सुबह शाम आते हैं यहाँ पे, सुबह शाम नहीं, पीने का नहीं आती, कच्चा पानी सुबह शाम आते हैं। पक्का पानी की गाड़ी आती है जिससे हम लोग मोल खरीदते हैं पानी। बिजली गई है कि पहले सब्सिडी मिलती थी 200 यूनिट, अब वो भी बंद हो गया है। वो बंद हो गया पिछले महीने से, बंद हो गया बिल तो अब आ ही रहा है लोग, किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 200 बिल तो सबका ही आ रहा है। 70% पुरुष काम करते हैं यहाँ, 30% महिला करती है। हाँ, अधिक महिला नहीं है, मजबूरी बता तो रहा हूँ, मजबूरी से महिला आ रही है। कोई महिला नहीं चाहती है कि मैं काम करने जाऊँ, कोई पति नहीं चाहता कि मेरी पत्नी जो है काम करने जाए, मजबूरी में बस। यहाँ पानी बिजली बढ़िया है, सफाई अच्छी है, मगर आप नरला के दूसरे सदर नगर वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे बारिश के मौसम में देखो पानी भर जाता गलियों में, आधा टाइम वहाँ पानी नहीं मिलता, मीठा पानी नहीं है वहाँ पे, कोई इतनी सुविधा नहीं, तो वहाँ 1500 का रूम मिल जाता है। तो वो अपनी तनख्वाह के अकॉर्डिंग वो ऐसे रूम अपने आप तलाश कर लेते हैं। जे कॉलोनी में छोटे छोटे रूम हैं, 1200 में भी मिल जाते हैं, 1500 में मिल जाते हैं। जिस रास्ते से आप आए, कीचड़ देख ही लिया होगा आपने, देख ही लिया आपने कीचड़ कितना, रोड पे निकलने का जगह नहीं है। अब गरीब आदमी उसी कीचड़ से निकलेंगे तो उसे तो बीमारी होना ही होना है, उसे तो बीमारी होना ही होना है ना, उसके ढंग की दवाई मिल सकती है। सरकारी अस्पताल में जाओ तो नंबर लगाते लगाते आदमी के टाइम पूरे हो जाते हैं। अब ये रोड बनने के लिए 10 बार आया और 10 बार लिख के ले गया, लेकिन बना नहीं। इसमें है राम नारायण है, शरद चौहान है, क्यों जो यहाँ का विधायक है वो है, कौंसल है, यही दो है इस टाइम। और मैं यहाँ पे मजदूरों की एक सहायता केंद्र है जो शिवसेना से जुड़ा हुआ है, जिसकी जो ब्रांच है वो है भारतीय कामगार सेना। हम इसके माध्यम से, इसके द्वारा मजदूरों का जो फैक्ट्रियों के अंदर शोषण होता है उसके खिलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं, उनको सहायता प्रदान करते हैं, उनके हक की लड़ाई हम लड़ते हैं। कोरोना काल में लोग भूखे मरे हैं इतने, कोरोना काल में तो बहुत लोग भूखे मरे हैं, काफ़ी लोग मरे भूखे। थोड़ा बताइए, जैसे जब लॉकडाउन लगा तो थोड़ा लॉकडाउन लगा तो वही केजरीवाल ने 5000-5000 रुपये लेबर कार्ड का डाले थे अकाउंट में, और कुछ गरीबों को राशन जैसे कि बांटे। अभी जैसे कि गेहूं चावल मिल रहे तो फ्री मिल रहे, और चावल ही चावल दे रहे, गेहूं तो दे भी नहीं रहे। 4 किलो चावल है तो 1 किलो गेहूं है। कोरोना काल में तो मजदूर ही मरा है। अगर कहीं पे लाठी चली है तो एजुकेशन पे और मजदूर पे, सिर्फ 2 ही वर्ग सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान उठाने वाले हैं। एजुकेशन लाइन, जहाँ पे बेचारे विद्यार्थी थे, अपने कोर्स से वो पीछे हट गए, उनका लॉस हो गया बहुत ज़्यादा। फिर मजदूर, उनको मजदूरी नहीं मिली, हताश हो गए, परेशान हो गए, डर डर की ठोकरें खाई, कईयों ने बेचारों ने जो है उधार लिया, कहीं लोग बेचारे भूख के मारे तड़प के मर गए। मतलब सबसे ज़्यादा ये 2 ही वर्ग सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान उठाने वाले हैं। बने हैं लेबर कार्ड, 90% आदमी की बने हैं,
क्या उसका फायदा है? उसका फायदा यही है कि बस लॉकडाउन में जो लगी थी कोरोना काल में, तो चार चार पाँच पाँच हजार रुपये आए थे उनके, उसके बाद से तो किसी काम का है नहीं। स्कूल में अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल में लग गया, नहीं जरूरत पड़ी तो फिर पढ़ाए घर में। यहाँ पे तकरीबन फुटवेयर लाइन की कंपनियाँ हैं, जूते चप्पल की, मैक्सिमम 80% यही है, जिसमें कि वर्क जो है वो 12 घंटे 24 घंटे चलता रहता है। मज़दूरों को इस जगह जो काम करते हैं ये बेचारे गांव से दबे कुचले और सहमे लोग, घर के परिवार से दुखी वो लोग यहाँ आते हैं और एक टेम्परेरी जो भी करते हैं, जिसके ये अपना गुजारा करते हैं, और गुजारा उतना पर्याप्त मात्रा में होता भी नहीं है क्योंकि उतनी बेसिक तनख्वाह इनको मिलती नहीं है। जिस हिसाब से इनको हार्ड वर्क जो करते हैं उस हिसाब से इनको उतनी सैलरी नहीं मिलती है, उतना इनको मेहनत का जो है मुआवजा नहीं मिलता है। जो मध्यम वर्ग की जो फैटिया है वो 4,000 के लपेट में है, तो टोटल यहाँ मान लो 7-8,000 फैटियाँ हैं अवेलेबल है। उसी हिसाब से वर्कर भी हैं, 2-2.5 लाख वर्कर भी हैं जो यहाँ आसपास के गांव हैं, कॉलोनियाँ हैं, फ्लैट्स हैं, वहाँ पे लोग किराए पे रहते हैं रेंटेड। हाँ, किसी की अगर दिक्कत हो गई, किसी की तनख्वाह नहीं मिला, जैसे फैक्ट्री वाले तनख्वाह नहीं दिया तो उसके महिला कोर्ट में केस करवाते हैं, उसकी पूरी पेमेंट मिलती है। कैसे क्या करती हैं आप? जैसे आप पहले थाने में FIR दर्ज करवाते हैं। अच्छा। थाने में FIR दर्ज करवा के तब महिला कोर्ट लेके जाते हैं उसे। अच्छा। अगर थाने से ही बात बन गई, पुलिस वाले ने थाने से बुला के मालिक को बात कर लिया, उसकी तनख्वाह दे दिया, तो वहाँ जाने की नौबत नहीं आती है। जब वहाँ नहीं थाने से सुना तब वहाँ जाने की नौबत आती है। देखिए, फैक्ट्री वालों के जो अपने यूनियन है, वेलफेयर एसोसिएशन है, तमाम उनकी अपनी सुविधाओं के अनुसार उन्होंने अपना संगठन बना हुआ है, मजबूत भी है, पढ़े लिखे भी हैं, फिर उनके अपने लोग भी हैं, IAS है, IPS है, प्रशासनिक अधिकारी उनके अपने टच में हैं, वो अपना काम चला लेते हैं। रहता एक बेचारा अनपढ़ मजदूर ऐसा है, दबा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, मजबूरी में मजदूरी की तलाश में घूमता है। बता तो रहा हूँ, अपनी यूनिट तो 4-4 एकड़ में बिठा ली इन्हें मजदूरों के काम करने से, इन्होंने काम किया, प्रोडक्शन बढ़ा, पैसा कमाया, पैसा कमा के इन्होंने वहाँ लगाया, और मजदूर की तरफ नहीं देखते वो तो। यहाँ तो 700 कुछ घर है, यहाँ कम से कम 2,000 से ऊपर आते हैं, 2,000 से ऊपर। जैसे कि अभी ये 3 मंजिल बनी हुई है, 3 फैमिली इसमें रहते हैं, ये 12 गज के घर है, 3 फैमिली रहते हैं, अब क्या करें, किराए से तो बचेंगे। ये बिजली तो अपने इसी में से देते हैं, जैसे कि आप 600 रुपये का बिल आ गया तो कोई किराएदार कुछ नहीं चलाता था, 100-100 रुपये वो दे देता है, बाकी 400 मालिक भर देता है। अगर जो वो यहाँ पे रहता ही नहीं है तो पूरा उसी को पेमेंट करना पड़ता है, जब वो चलाएगा तो पेमेंट करेगा। यही दिक्कत है, जब पैसे नहीं होंगे तो दिक्कत तो आने ही आना, सबसे बड़ी बात तो पैसे की दिक्कत है। यहाँ अगर रोज़गार खुल जाए ना कॉलोनी के अंदर ही, कोई रोज़गार ऐसा खुल जाए जो औरतें अपने काम कर लें। जैसे थोड़ा बताइए आप, जैसे आप कंपनी है, जैसे आसपास कोई कंपनी हो, उसके काम ला के, जैसे अब हम लोग हैं, कोई काम ला के दे दिया किसी को करने के लिए, तो घर बैठे काम मिल गए, उसे घर का भी काम देख लिया और वहाँ का भी काम देख लिया। अभी तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे ये रोड नहीं बन रही, अब ये कूड़े आ रहे हैं, इससे बच्चों को बीमारी पैदा होना चालू हो जाएगी। अब जैसे मलेरिया वाले घूम रहे हैं ना, अब जैसे हमारे पड़ोस में पीलिया हो गया, ये गंदगी से होती है, अभी पूरी जमाने की गंद आ रहा है, अलीपुर तक की गंद आ रहे हैं यहाँ पे। अब इसके लिए तो यहाँ का जो विधायक है, जो काउंसिल है, उन्हें देखना चाहिए ना कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है, वो तो कभी आता भी नहीं है, जब वोट मांगना होता जब आता है। लड़का मर गया उससे बिजली के करंट से, और उठा के बाहर नाले में डाल दिया, शिवलोक की घटना आई। वो देख, छोटा सा बच्चा, जब इंक्वायरी हुई छोटे से बच्चे ने उसको बाहर डालते हुए देख लिया था, उसने कहा मम्मी मम्मी देखो वहाँ पे एक आदमी को गिर दिया नाले में। अब नाले में गिर गया बच्चे ने तो देख लिया, अब मम्मी ने कहा चल पागल। अब जो नाले में नीचे गिर गया उसको मम्मी को क्या पता बेचारी को, वो तो भाग के गया है, जब तक तो डूब गया ना, तब उसके बाद वो 2 दिन में जब लाश निकाली, जब उसकी मम्मी ने वो बात फैक्ट्री के अंदर बोली,
हैटी से बाहर होते होते हो गार्ड से हुई, गार्ड से फिर दूसरे गार्ड को बोली, फिर होते होते पता चला कि ये इन्होंने ही डाला था बाहर। बताओ बेचारे मजदूर की क्या कमी थी भाई, वो वर्क कर रहा था फैक्ट्री के अंदर ही तो था वो बेचारा। अगर वहाँ उसके साथ दुर्घटना हो गई तो यार उसको हक नहीं देने के बजाय तुम उसका बेचारे का शरीर के साथ भी दुर्गति कर रहे हो, नाले में डाल रहे हो यार, गलत काम नहीं है, गलत बात नहीं है। और जब तक वो जिंदा रहा पैसे तो खूब कमा के उन्हीं को दिया है। अरे चलो हो गई दुर्घटना तो उसको बेचारे को एक्सपेक्ट करो भाई, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, अगर वो जिंदा हो सकता हो जिंदा कर लो बेचारे को, जान बस से बचा दो यार, वो भी किसी का बेटा होगा, हो सकता छोटे छोटे बच्चे हैं उसका, वो पिताजी होगा। अरे कुछ भी नहीं बच गए हम तो, क्या बचा वो, नहीं बचा, केस लगा उसके ऊपर। यहाँ पे क्या एज से काम करना शुरू कर देते हो फैक्ट्री में? 16 से 17 साल में नहीं होते बच्चे करने लगते हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों, लड़का लड़कियाँ दोनों। अब क्या करेंगे, कुछ भी चेकिंग में पकड़ाते नहीं है कभी? जब चेकिंग आते तो मालिक या तो बेसमेंट में छुपा देते हैं, बेसमेंट में छुपा देते हैं, नहीं तो बोलते कि आज छुट्टी है तुम्हारी, क्योंकि उन्हें पहले बीट वाले से मिले हुए होते हैं ना वो, तो उसे पहले पता लग जाता है कि आज हमारी चेकिंग आने वाली है। ये मेरे पास एक केस है, ये मात्र 15 साल का है, उंगली कट गई, इलाज नहीं कराया, मुआवजा नहीं दिया, ये एसआई सोचा था बन जाएगी, मालिक ने सोचा था, मगर 15 साल की एसआई नहीं बन पाए, धक्के बहुत खाए, पुलिस में गया, डराया धमकाया भगाया, हॉस्पिटल में गया, एमएलसी नहीं कटने दी, मेडिकल रिपोर्ट नहीं बनने दी, भगा दिया। एक लड़की की तो उंगली कट गई थी, पीछे एक लड़का रहता है उसके तो पूरी हाथ कट गई, ये पूरी पंजा कट गई है उसकी, उससे भी कुछ नहीं मिला। कुछ यूनियन वाला है यहाँ पे, यूनियन वाला यहाँ पर महिलाओं का यूनियन नहीं है, पुरुष का है भी तो पहले यूनियन वाले मिलके अपना खा लेते पहले ऊपर से ऊपर ही। अब मानिए कि आप गरीब आदमी हो और मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, आपसे ज़्यादा पैसे वाला हो, तो मैं पहले ही मिलके मैं पहले ही ले लूँगी अपने। अब मुझे जब 2-4 लाख मिल जाएगा तो मैं आपके पीछे क्यों भागूंगी, मेरा तो कोई मतलब नहीं आपके पीछे भागने का। आप कितना दिन धक्के खाओगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन उसके बाद घर बैठ जाओगे। किरान तो आपको पता है कि देखो पूरी इलाके में होती है, बवाना हो गया, जजे कॉलोनी जितनी भी है ठीक है, उसमें कुछ निडले के भी मिल जाते हैं, कुछ इधर उधर के भी मिल जाते हैं, क्राइम तो होता ही है। अब क्राइम कोई मोबाइल छीला, अब जब काम नहीं रहेगा घर में, रोटी नहीं रहेगी तो क्या करेगा, कोई मोबाइल छीनेगा, कोई चक्कू मारेगा, कोई चोरी करेगा। अगर वही एक बंदे को सैलरी सरकार की तरफ से, पाणिति संस्था से सरकार की तरफ से 18,000 रुपये है सैलरी और 10 भी नहीं मिल रहे, तो आप बताओ कैसे बच्चे पालेंगे? बच्चे पालने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए हमें। देखो चैलेंज तो यही है कि एक दिन भी मेरे पास केस ना आए, एक भी वर्कर का चैलेंज ही है कि सिस्टम को ठीक कर दिया जाए, यहाँ के ओनर को समझा दिया जाए, उनको कह दिया जाए कि देखिए ये मजदूर है, आपका ही मजदूर है, आपका ही वर्क करता है, आपकी ही मशीन चलाता है। एक वर्कर कम से कम 1.5 लाख रुपये कमा के देता है मालिक को, एक वर्कर 15,000 रुपये मिलते हैं। ये मशीन है कि आप चला लोगे, नहीं चला सकते, आपका परिवार का सदस्य चला लेगा, नहीं चला सकता, मजदूर चलाएगा, उसी मजदूर का शोषण करना बंद कर दो ना भाई, इसको प्राप्त मात्रा में इसको तनख्वाह दे दो ना, इसको पूरा मेहनत का हक दे दो ना, दे दो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे मेन है, ये रीढ़ की हड्डी है तुम्हारी, इसको बचाओ आप। अगर मजदूर तंग होता है तो अच्छी बात नहीं है, उस उद्योगपति के लिए भी और वहाँ के जितने भी यूनियन के जो एसोसिएशन है उनके लिए भी गलत है, बेकार है फिर तो वो, ना तो उद्योगपति अच्छा है ना कि वहाँ के एसोसिएशन अच्छी है।